why to choose Rajgarh track? For me, the answer lies in a question again. What I really want from monsoon track? First, it should be a scenic one. Second, it should be a DIY type of track, means do it yourself, jahan necessarily you do not need a guide to complete the track. Third is an interesting trail and a connectivity to the nearby forts. A good hiking range. This trail provides you amazing hiking range. You can walk as much as you want. There is a, as I said, connectivity towards the another fort. Fifth is photographer's heaven. This track has a lot to offer you if you love photography and videography. It is near Pune. I wanted to save the road journey and use that here in a hiking. So it just takes 1.5 or 2 hours max from Pune to reach here. Do watch this video until the end and you will get to know why this track is made for you. I personally love this track. So let's get started. We started very early in the morning from Pune and after an hour of drive, we reached Nasrapur. फिर वहां से हम लेते हैं ये लेफ्ट टर्न. देयर इज दिस बिग बोर्ड फॉर द नेविगेशन टुवर्ड्स द राजगढ़ फोर्ट. ये रास्ता हमें लेके जाता है पाली या फिर गुंजावने विलेज. दोनों ही विलेज से ट्रैक शुरू की जा सकती है, लेकिन ड्यूरिंग द मॉनसून पाली विलेज वाला ट्रेल सेफ रहता है. सो वी मेड इट टू द पाली विलेज बाय 6 AM इन द मॉर्निंग, इंक्लूडिंग द स्टॉप्स एट दी ब्यूटिफुल वाटरफॉल्स. Made it to the base of this tracking और ये पाली विलेज का बेस है. आज मंडे है तो शॉप्स वगैरह बंद है मोस्टली. यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ वीकेंड्स में ही होती हैं और बहुत भीड़ होती है वीकेंड्स में, इसलिए हम लोगों ने आज वीकडे चूज़ किया है. तो पुणे से यहाँ पहुँचने में 2 घंटा लग गया एंड रोड 10 किलोमीटर पहले यहाँ से थोड़ी ख़राब शुरू होती है, लेकिन 4 व्हीलर पहुँच जाती है आराम से. इतना प्यारा मौसम है, लुक बिहाइंड मी. जंगल भी डेंस लग रहा है. अभी तो हम दो ही लोग हैं. समथिंग फनी इज हैपनिंग हियर. और तेरे पैराशूट में एक छोटा छेद भी हो गया है यार, लेकिन कोई बात नहीं, तेज है नहीं, बारिश बच जाएगा. प्यारा केकड़ा यार, सी इट्स लाइक अ टॉय. ये इसकी आंखें कहाँ है भाई? Please don't kill. Look, I'm tracking with a kekda pakdu man. हमने भी ट्रैक भी शुरू नहीं करी, 10 मिनट से यहीं पर टाइम पास चल रहा है. छोड़ दे उसे नीचे, बख्श दे उसे. ओह वाओ, ट्रैक शुरू करते ही बारिश भी आ गई. सीधा रास्ता. हाय यार, ये सोलो करने लायक ट्रैक है भी क्या? मंडे भीड़ कम रहेगी करके हम आ गए, कोई है ही नहीं. अच्छा, ये जो जंगल है हमारे चारों ओर, ये फेमस है बर्ड्स के लिए. यहाँ पे बर्ड सेंचुरी भी है और हमको आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं बहुत सारी चिड़ियाओं की. रास्ते में भी हमने देखी ब्लू कलर की किंगफिशर देखी और हमने बनमुर्गी भी देखी. सो मैनी रेयर काइंड ऑफ स्पीसीज बर्ड्स की आपको यहाँ पे देख सकती हैं इफ़ यू लाइक बर्ड फोटोग्राफी एंड ऑल. सो तो भी राजगढ़ फोर्ट का जो एरिया है, दिस सीम्स टू बी अ गुड प्लेस. जगह जगह डायरेक्शंस हैं. तो हम लोगों ने पाली विलेज से शुरू करा है, तो पाली दरवाज़ा पहला आएगा. एक और रास्ता जो गुंजावने से आता है, तो गुंजावने से चोर दरवाज़ा आता है और पाली दरवाजा और चोर दरवाजे के जो रूट जाते हैं वो आगे एक ही जगह कनेक्ट होते हैं. तो यहाँ सबसे पहले पाली दरवाजा आएगा, फिर आएगा बाले किला. बाले किला से ही सुवेला माची और संजीवनी माची के लिए 2 अलग रास्ते कटते हैं. जब से हमने चढ़ना शुरू किया है, स्टीप क्लाइंब है, खड़ी चढ़ाई अच्छी खासी. एक्चुअली ट्रैक के रियल ट्रैक वाला फील आ रहा है कि भाई कर रहे हाइक अच्छी वाली.
और अभी तक तो जंगल के बीच में ही वॉक कर रहे हैं, खुला एरिया नहीं आया है। बहुत स्लिपरी है भाई, वेरी स्लिपरी। सेवन थर्टी फाइव हुआ है, 35 मिनट्स का वॉक हमने करा है और अब जाके थोड़ा खुला व्यू दिखने लगा है। अभी तक हम जंगल में ही वॉक कर रहे थे, फॉगी है बट स्टिल विजिबिलिटी है। भाई साहब, हम ये जंगल क्रॉस करके आए जस्ट टू पीपल? हाँ, नाउ आई एम फीलिंग मोटिवेटेड माई सेल्फ। Track to Rajgarh Fort comes under moderate tracks. Make sure you are carrying light weights with you to make it an enjoyable hiking. Oh, feeling better. बहुत heavy bag है बॉस आज अपने पास। Power banks, drone, food क्योंकि कुछ भी खुला नहीं है। Drinks, everything I'm carrying in this bag. It's so windy here. I think you can listen to the sound as well. और यहाँ से किले की सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। लेट्स वॉकी वॉकी। यार मुझे इसके बाद दो दिन तक जिम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी खासी ट्रैक है ये, अच्छी खासी एनर्जी, कैलोरीज, सब कुछ बर्न हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स इट्स टेस्टिंग योर स्टैमिना एज वेल। हाय मोटिल, रीच्ड द पाली दरवाजा। टाइम हुआ है 8:30, 7 बजे हमने शुरू किया था, 8:30 डेढ़ घंटा लगे यहाँ पे पहुँचने में। आराम से टाइम पास करते हैं, फोटो वीडियो निकाल के। अगर आप सीधा वॉक कर रहे हो तो 1 घंटे में आराम से पाली दरवाजे पहुँचोगे। राजगढ़ फोर्ट वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द मराठा एम्पायर अंडर द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी फॉर ऑलमोस्ट 26 years. Pali Darwaja is the main door of Rajgarh, which is still intact. Even the surrounding structure are still intact. The next big door you see is known as Maha Darwaja. You follow any of the route from Pali or Gunjavane village, you have to enter via Maha Darwaja only to get inside the fort. The Rajgarh fort is located around 60 kilometers to the southwest of Pune and about 15 kilometers west of Nasrapur in the Sahyadri range. फोर्ट के अंदर टी एंड स्नैक्स की कुछ छोटी शॉप्स भी हैं, हैविंग लिमिटेड आइटम्स बट इनफ फॉर यू टू गेट री एनर्जाइज्ड, ऑल्सो टू शेयर सम विद दीज हंग्री सोल्स। दिस इज द टेम्पल ऑफ गॉडेस पद्मावती एंड यू आर अलाउड टू स्टे इनसाइड द टेम्पल। Also, if you want, you can set up your tents nearby. Fort ke andar jagah jagah board lage hue hain, which makes it easy to navigate. Trying to find the answers, climbing up the mattress, stepping over blankets. Can I see you now? Can I see you now? Trying to find a message. So we have reached to the most risky patch of this trek. जहाँ से नीचे एकदम खाई है, लेकिन सपोर्ट के लिए यहाँ पे मस्त रेलिंग्स बनाई हुई हैं। मेक द बेस्ट यूज ऑफ दीज एंड जस्ट कीप क्लाइंबिंग। सी आगे रास्ता ही नहीं है, इतना स्लिपरी है यहाँ पे, माय गॉड। और ये जो खांचे से बने हुए हैं ना सेक्शन, इस पे पैर रख के ऊपर चढ़ना होगा अब। माय गॉड, ये बहुत रिस्की पैच है। द गुड थिंग इज दोनों साइड सपोर्ट है, तो पूरा उनको पकड़ पकड़ के ऊपर आ सकते हैं। बारिश के टाइम पे ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है और रिस्की भी। गुड गाइज, वी वर अंडर मंकीज अटैक जस्ट नाउ। ओ माई गॉड, वो ऐसे घूम घूम के हमारे चारों ओर देख रहे थे, है क्या
वो तो उनको बैग नहीं दिखा मेरा, माय गॉड। हम एक जगह 2-3 मिनट तक ऐसे सरेंडर करके खड़े थे और हमको पूरे मंकी घेरे थे। फाइनली वी मेड इट टू द बाले किला एंड वी सॉ दिस ब्यूटीफुल हाफ मून शेप्ड लेक नोन एज चंद्राकार लेक। Now the fun begins. We basically have to take this route. Route नहीं है, waterfall के साथ ही नीचे उतरना है. It's not easy at all. Wow! Finally, हम नीचे पहुँचे हैं बाले किला से. And what happened up there? Let me explain. वहाँ पे possible नहीं था कैमरा निकालना. बंदरों ने पहले तो हमको घेरा, हम दो ही लोग थे. फिर हम ऊपर चढ़ गए थे तो वहाँ पे ग्रुप में भी वो लोग लोगों के बैग छीन के, हमारा तो से मेरा रेनकोट में छुपा हुआ है तो पीछे से अटैक नहीं किया, लेकिन उनके बैग जिनके दिख रहे हैं उनके बैग पे चढ़ के चेन खोल के एक एक चीज़ देख के देन दे लेट देम गो। मतलब दे आर सो हंग्री, वो तो है, बट ये लोग एकदम वाइल्ड मंकीज़ हैं। ग्रुप में हो तो फिर भी बच जाते हो, हम लोग को तो उन्होंने जो बुरी तरह घेरा था ना, ओ माई गॉड, आई वॉज लाइक दिस बॉस, आई डोंट हैव एनी। और वो मेरे चारों ओर घूम घूम के देख रहा था। सो एक तो रास्ता बहुत रिस्की है और ऊपर से बंदरों का अटैक। बाले किला टू सुवेला माची ट्रेल इज अ सिंपल स्ट्रेट वॉक। ऑन द वे यू सी ब्यूटिफुल पॉन्ड्स। ड्यूरिंग मॉनसून द साइड वॉल बिकम स्लिपरी, बी केयरफुल नियर दीज पॉन्ड्स। हमारे सुवेला माची पहुंचते पहुंचते व्यू खुलने लगा। सुवेला माची ऑफर्स अ स्प्लेंडेड व्यूज ऑफ द सह्याद्री रेंजेस एंड अदर सराउंडिंग फोर्ट्स लाइक तोरना, रायगढ़, सिंहगढ़, महाबलेश्वर माउंटेन रेंज, प्रतापगढ़, वृंदाघाट, लोहगढ़, विशापुर, तुंग, तिकोना एंड मैनी मोर। वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट राजगढ़ ट्रैक इज यू कैन डू दिस इन एनी सीजन। इट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ व्यूज इन ऑल सीजन्स। इफ यू आर ट्रैकिंग इन द मॉनसून सीजन यू कैन सी द लश ग्रीन सह्याद्री। द ट्रेल बिकम्स एक्साइटिंग विद मैनी स्मॉल स्ट्रीम क्रॉसिंग्स। You get to see blooming wildflowers throughout the track. And if you are tracking in the winter or summer, you can expect a clear view from the fort. You can spot many famous forts, like I said, from Bale Kila. So, on the way to Suvela Machi or inside the Suvela Machi, there is a natural hole formed in a rock known as Hathi Nedhe or Pinhole Point. It's bit risky going up there, so I'm not going up. But मैं यहाँ से आपको rotate करके दिखाती हूँ। It's a natural hole formed inside a rock. People are still struggling to reach there. क्योंकि बारिश से ये दिख रहा है आपको रास्ता पूरा rocks इन पे चल के जाना है and it became very risky. And यहाँ से आप चलना शुरू कर सकते हो। बारिश नहीं है तो it can be easy, but अभी थोड़ा risky है। So this was all about the Rajgarh track. I have covered almost everything, especially for the monsoon. I hope you loved the video. If you really liked it, don't forget to hit the like button, share with your friends and do subscribe agar aapne abhi tak nahi kiya hai toh.